फिलीपींस के सबसे बड़े शहर दावाओ के एक बाजार में बम धमाके हुए हैं जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूडेट के गृहनगर में हुए इस बम धमाके में 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बीती रात दावाओ में हुए बम विस्फोट के बाद आखिरकार राष्ट्रपति ड्यूडेट के शहर में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और साथ ही स्थानीय लोगों से सहयोग और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। इस घोषणा से सैन्य बलों को शहरी केंद्रों में तैनात किए जाने की अनुमति मिल सकेगी ताकि वो जांच चौकियां और गश्त बढ़ाने में पुलिस की मदद कर सकेंगे। अधिकारियों की माने तो भरे बाजार में अचानक विस्फोट में 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति ड्यूटेट के प्रवक्ता मार्टिन अंदानार की माने तो विस्फोट IED से किया गया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट के पीछे मादक पदार्थ के कारोबारियों का हाथ हो सकता है और ये अपराधी जो है वो इस्लामिक उग्रवादियों के खिलाफ राष्ट्रपति ड्यूटेट के अभियान का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और राजधानी मनीला में भी पुलिस ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि दावाओ शहर फिलीपींस का सबसे बड़ा शहर और राष्ट्रपति ड्यूटेट भी दावाओ से 2 बार मेयर रह चुके हैं। दावाओ पर यह पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी इस्लामिक उग्रवादी और कम्युनिस्ट विद्रोही दावाओ को कई बार अपना निशाना बना चुके हैं।